गाइस और आज मौका मिला एक एचेटिन जाए, इसने मेरी चप्पल पहनी और अभी इसकी खुद की चप्पल टूट चुकी है, तो हम नई चप्पल लेने जा रहे हैं और मैं एचेटिन का मस्त वीडियो भी बनाऊंगा। सो दिल थाम के बैठी है सबसे बढ़िया हॉस्टल देखने के लिए। एचेटिन एकदम बाप हॉस्टल है और हमें वो फोर्थ ईयर में मिलने वाला है। हॉस्टल या होटल आप मतलब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, या होटल या हॉस्टल, इतना शानदार हॉस्टल। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे बहुत दिनों से एक वीडियो के बारे में आपको बताना था जो आया। सो गाइस ये रहा शानदार एचेटिन। ये देखो आप एंट्रेंस देखो, इसका क्या एंट्रेंस है ये। ये पौधे तो और भी इसकी शान बढ़ा रहा है और हमें तो इस बात की खुशी है कि हमें फोर्थ ईयर में ये हॉस्टल मिलने वाला है। ग्रीनरी तो भर भर के यहाँ पे। नाउ लेट्स एंटर इनसाइड एंड यू गाइस कैन सी मी देयर the reflection of glass here too। रात में तो इतना बढ़िया लगता है वो लाइटिंग वीटिंग से। कि ये हॉस्टल कब शुरू हुआ था, 2019 को इनॉग्रेशन हुआ था श्री रामदास पोखरियाल से। एंड यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया सा लाउंज है बैठने के लिए, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। हॉल मैनेजर, एसोसिएट हॉल मैनेजर वगैरह वगैरह, ये अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, नोटिस बोर्ड वगैरह। ये एंट्रेंस शानदार है, एकदम एकदम शानदार सा एंट्रेंस है। आईआईटी बॉम्बे की शान हॉस्टल एटीएम। एंड वो रहे वहाँ पे एचेटिन की फेमस दुकान। तो ऐसे दो सेक्शन है, जैसे कि ये अंदर से खुला है ना, वैसे इस वाले बिल्डिंग के पिछले साइड भी है, बस वो सेकेंड फ्लोर पे और वहाँ पे खेलने के लिए मतलब ग्राउंड टाइप है, यहाँ पे कैसे बस आ सकते हैं तो उस साइड भी ले जाएंगे। अभी हम जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर पे। लिफ्ट भी बहुत शानदार है यहाँ की, हर एक चीज़ शानदार है। पर आप पता नहीं हमारा बैड लक, हम जब भी आए लिफ्ट यहाँ की ऊपर ही होती है, क्यों विशाल, कभी भी हमें ग्राउंड फ्लोर पे नहीं मिलेगी, जब भी आए ऊपर 6, 7, 8, 9 पे ही होगी लिफ्ट। और देखो आप लिफ्ट, देखो आप लिफ्ट देख के भी चौंक जाओगे। और सेकेंड पे दबा, देखो कितना लंबा है ये, अपन अभी पूरा अच्छे से टूर करेंगे। सबसे पहले मेन चीज दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम। देखो क्लीनलीनेस एकदम बढ़िया से, सब कुछ बहुत क्लीन है, बेसिन वगैरह भी है एंड वॉशिंग मशीन है, वाटर प्योरीफायर, सब कुछ, सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। कपड़े सुखाने के लिए स्पेशल जगह भी है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे फिसलने वाला था अभी विशाल, तो ये देख के लग रहा है कि हम सेकंड फ्लोर पे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने के लिए मस्त सी जगह है, बस प्रॉब्लम बारिश की है, बाकी कुछ नहीं। सो वी आर नाउ एट सेकंड फ्लोर। अभी बन जाते हैं एक रूम में, तो ये है इनका रूम, विकास भैया का। ये एमएससी इन केमिस्ट्री राइट, नहीं एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर। तो ये है चेटिन का रूम। यहाँ पे एक रूम में सिंगल ऑक्यूपेंसी है
और एक बंदे के हिसाब से बहुत सही रूम है, टेबल चेयर बेड कबर्ड सब कुछ एकदम सही है। कैसा लगता है आपको ये रूम? अरे रूम एकदम सही है, कुछ तो ये लोकेशन है ना पीछे हाँ इस हाँ टाइम से तो काफ़ी सही हो जाता है, हवा एकदम बढ़िया आती है। हवा तो बहुत ही बढ़िया आती होंगी, ये क्या खुलते ही महसूस हो गया बहुत हवा आ रही है अच्छे से। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रख सकते हैं, कबर्ड वगैरह। ये रही रूम आपको। मेस का खाना कैसे लगता है यहाँ का? मैस का 18 का सबसे शानदार है, 14 और 18 दोनों का बढ़िया है खाना एकदम। यार हमें आना है एक बार यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ की बिरयानी बहुत सही बनती है बोले लोग आते रहते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब एक बार ही बनी है। 18 के बार के भी आते रहते रहते हैं। चलिए तो अभी कब बन रही है बता देना, अब मैं आ जाऊँगा। बिरयानी शायद कब होती है, वेंसडे होती हर है। वेनेसडे होती है? हाँ अरे भैया तो बहुत ज़्यादा हो गया, अपने यहाँ तो कभी कभी बनती है। ये देख सकते हो भैया कितनी पढ़ाई करते हैं, टाइम टेबल भी है, टाइम टेबल ही है। आज इनकी मिड सेम है तब भी हम थोड़ा सा टाइम दिया भैया ने, थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू फॉर योर हेल्प। अभी अपन जाते हैं बाहर। हाँ हाँ नाइस नाइस। यहाँ से मेज का भी सीन आ रहा है, ये बंद है क्या? केवल मैनेजर ही प्रवेश कर सकते हैं, ये प्रवेश तो नहीं करना, हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या। पीछे जिम भी दिख रहा है, यहाँ पे इसका बॉल नहीं है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ नीचे जाके भी दिखा लेंगे। तो ये रहा हॉस्टल 18 का मेस, होटल ना कि हॉस्टल। हाँ हाँ ठीक है। तो इनके तो लगे ही नहीं इसमें जैसे प्लास्टिक वाले बैरियर्स, बहुत दूर दूर बैठते हैं ना देख, मतलब दो चेयर ही रखे उन्होंने एक बेंच। तब भी हॉस्टल 18 यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो अपने इसमें नहीं है। अभी चलते अपन मेस के अंदर, चले पानी पीना है क्या? हाँ इधर। हाँ कैसे लिखा है देख, मार्कर से लिखा है पर लोगो कितना बढ़िया बनाया है। आज लंच में पनीर कढ़ाई पराठा राजमा मसाला, फ्रूट्स भी होते हैं लंच के टाइम, फ्रूट्स भी होते हैं लंच के टाइम, ड्राई फ्रूट्स नहीं फ्रूट्स। प्लान था कि यहाँ से ही लंच करके जाऊँ बट यहाँ पे अलाउ नहीं है, हमारे हॉस्टल में यहाँ तो कोई भी आके खाना खा लेता है पर हमें कहीं और जाके मिलता ही नहीं है खाना, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी होती रहती है। पर चल ओनली 2% अलाउड एट अ टाइम टू बाहर। पासवर्ड कॉफी ले ले, कॉफी ले ले और कॉफ़ी ले लेना, मैं शूट करता हूँ। कॉफ़ी पे दवा दूसरे वाले पे रख दे। हम आए HET के बैक साइड पे, यहाँ पे देखो कितनी सारी साइकिल्स हैं। एंड HET इतना बड़ा है कि इसको एंट्रेंस लगभग 6-7 एंट्रेंस है। अभी ये पीछे से ये एक एंट्रेंस है, वहाँ एक एंट्रेंस है, उधर से भी है, मतलब लगभग टोटल 8 एंट्रेंस है मेरे ख्याल से। एंड ये कैंपस के बाहर आता है ना मोस्ट, या नहीं क्या? ये वाला अंदर है, कैंपस के अंदर है। गाइस अभी आप लोगों ने हॉस्टल 18 का पूरा वीडियो देखा ही होगा, तो कैसे लगा वीडियो कमेंट में बताना। एंड डू इंस्टॉल द शिक्षा ऐप, शिक्षा समाधान ऐप, आपको बहुत यूजफुल होगा वो। एंड प्रिपरेशन करते रहे, ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एडवांस एग्जाम।